हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आपको पता है ओनली 10% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ही मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 90% व्यूअर्स तो मुझे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखे हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो हम आज आए हैं जयपुर के बाज़ार, वर्ल्ड का सबसे पुराना कैमरा देखते हैं। एक ही वर्ल्ड में एक ही बचा है, ये है 1860 का कैमरा। तो आओ देखते हैं। कब से है सर कैमरा? ये मेरे दादाजी के टाइम से है। पहले मेरे दादाजी चलाते थे, फिर पिताजी। अच्छा। और मैं 1977 से इस कैमरे को चला रहा। अच्छा, तो ये वर्ल्ड में एक लास्ट ही कैमरा ऐसा है? वर्ल्ड में लास्ट तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में लास्ट ये है कि अगर वर्किंग कर रहा है तो वर्ल्ड में लास्ट ही है ये। अच्छा। और वैसे म्यूजियम वगैरह में देखने को आपको मिलेगा और वर्किंग पे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये वर्किंग पे एक लास्ट ही कैमरा है वर्ल्ड का पूरा, जो कि फोटोज वर्क करता है अभी भी। बिल्कुल। आपके पास अभी भी लोग आते हैं कैमरा? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मन से आते हैं, मतलब करीब करीब बाहर की कंट्रियों से और इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं और जो इसको पसंद करते हैं। आज सभी लोग DSLR कैमरा से मशगूल हैं, लेकिन इस कैमरे को जानने के लिए बहुत कम लोग हैं जो इसको पहचानते हैं कि ओरिजिनल फोटोग्राफी क्या होती है। आज तो बच्चा होते ही फोटोग्राफर बन जाता है, क्योंकि माँ बाप उसको मोबाइल दे देते हैं। हाँ। मोबाइल दिए तो कैमरा फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। और हम लोग जो हैं इस विरासत से जुड़े हुए हैं, फ़ोटो की विरासत से जुड़े हुए हैं। फ़ोटो कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, कितना टाइम लगता है, ये सब हमारे पास वो है एक दिमाग वाला। तो इसको मिंट कैमरा बोलते हैं, बॉक्स कैमरा ही बोलते हैं। अच्छा। और ये वर्ल्ड में एक ही है वैसे तो, वर्किंग के अंदर। वर्किंग में लोगों के पास, किसी के पास भी नहीं होगा। वर्किंग में तो केवल मेरे पास ही है जो मैं वर्क कर रहा हूँ इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो हमें पता चला ये वर्किंग लास्ट ही कैमरा है वर्ल्ड का। और आप बताइए, आपके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए पिक्चर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, जैसे जूही चावला जी है, सुभाष घई साहब हैं, 3-4 फिल्मों में भी हूँ, भूलभुलैया, स्वदेशी रोमांस, और आपके शेर खान वगैरह रिलीज़ होगी, एक टाइगर वगैरह उसमें बहुत में है, कई डॉक्यूमेंट्री मेरी चल रही है, कई चीज़ें हैं और न्यूज़पेपर में आती रहती है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे आती है। फिर भी इतना फेमस नहीं है कैमरा जितना, मतलब एक विरासत ऐसा है, इसको भारत कहते हैं। भारत में कई टूरिस्ट जब आते हैं तो वो केवल एक अपना मनोरंजन करके निकल जाते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हवा महल क्यों बनाया गया, टाउन हॉल क्यों बनाया गया, जयपुर क्यों बनाया गया, कुछ विरासत की चीज़ें क्यों बनाई गई है, वो एक बखोल करके निकल जाते हैं। अगर यही चीज़ यूरोप के लोग जब देखते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि नहीं, पुरानी विरासत भी विरासत है, विरासत के बारे में जानते हैं। वैसे कुछ लोग भारत के भी लोग हैं जो इस विरासत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन 70% लोग केवल घूमने आते हैं और घूम के निकल जाते हैं। ये सर ने बहुत सही कहा है, और थैंक यू टू सर कि हमें अभी भी ये कैमरा देखने को मिला है। कितने, मतलब 160 ईयर ओल्ड कैमरा है ना। 160 साल इस कैमरे को हो गए, लेकिन बस सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस कैमरे को इसलिए रख रखा है कि लोगों को ये पता लगे कि भाई ये कैमरा ऐसा भी होता था और ओरिजिनल फोटोग्राफी इससे होती थी। और अब युवा पीढ़ी को जानकारी है नहीं कि फोटोग्राफी कैसे होती है, इसमें केमिकल कितना बनाया जाता है, कैसे केमिकल बनाया जाता है, कैसे उसका एक्सपोजिंग करना पड़ता है। अब DSLR कैमरे में सारा सेटिंग है और जो प्रिंटर वगैरह सब आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसका प्रोसेस, सारा सामान आपको मिल जाता है? नहीं नहीं, आसान से नहीं मिलता है, सब सारा सामान कलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सर फ्रांस से सारा इसका माल मंगाते हैं इसको क्लिक करने के लिए। अच्छा, जो आजकल के कैमरा उसमें तो जल्दी से फोटोज निकल जाती है, जल्दी जल्दी हो जाता है, इसमें कितना प्रोसेस, इसमें कितना टाइम? इसका प्रोसेस सारा इसी में है, और प्रोसेस ऐसा है इसी में, कैमरे में ही डार्क रूम है, कैमरे में ही केमिकल वगैरह डाल के रखते हैं। अच्छा। एक तरफ तो डेवलपर है, दूसरी तरफ फिक्सर है, और दूसरा क्या है कि दूसरी तरफ फिल्म बॉक्स है, ये बने हुए सारे, सब कुछ इसके अंदर सिस्टम सारे हैं। एक बार आप बताएंगे कहाँ कौन सा फिल्म बॉक्स और ये पे क्या है? फिल्म बॉक्स है और ये इधर डार्क रूम है, ये इसमें ये डार्क रूम है। अच्छा। और ये इधर है जो कैमरे का जो वो लिया जाता है सीन, वो इस जगह है। ये देखिए आप, ये कैमरा है, लेंस जिसे बोलते हैं, ज़ाइस का लेंस है ये, ज़ाइस का। यहाँ से फोकस वगैरह होता है और फिर यहाँ इसको बंद कर दिया जाता है और इसका अपर्चर फिर लगा देते हैं, फिर अपर्चर लगाने के बाद ऐसे एक्सपोजिंग कर देते हैं, चलिए फोटो बन गई। फिर जितना केमिकल वगैरह डालना होता है वो अलग से ले लेते हैं।
तो ये कितना टाइम लगता है इसे? ये 10 मिनट में फोटो बन जाती है, करीब करीब 10 मिनट में फोटो बन जाती है। मतलब ये फास्ट है, ऐसा नहीं है कि फास्ट ऐसा है, उस जमाने का ये DSLR कैमरा है उस जमाने का। आज प्रिंटर पर दुनिया आधारित हो गई है, प्रिंटर पे सारे प्रिंट होते हैं, इसमें नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट पेपर पे बनता है इसके अंदर। अच्छा। और अभी जो जितने भी DSLR चल रहे हैं वो सारे प्रिंटर हैं, प्रिंटर पे कोई सिल्वर नाइट्रेट पेपर नहीं है। तो सच में ये बहुत एक मतलब उस जमाने में भी ऐसा कैमरा होना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत प्रोग्रेस था। थैंक यू सर, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और थैंक यू सो मच अभी तक इन्होंने ये कैमरा संभाल रखा है, हमारी आगे की जनरेशन को और पता चले कि ये कैमरा पहले कैसा हुआ करता था। अब इस विंटेज कैमरा से हम DSLR पे आ चुके हैं, बट इसकी भी आप कीमत ना भूलें, और थैंक यू सो मच। तो ये था वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैमरा और इसी के ओनर से हमें पता भी चला इसकी फीचर्स और इसकी खासियत, और ये लोग की जो एक विरासत है वो हमें अभी भी देखने को मिल रही है। तो आप कभी भी जयपुर आएँ तो इसे ज़रूर देखें, इसे एक्सप्लोर करें, और थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो आएंगे, एक्सप्लोर करूँगी जयपुर को।